खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आते हैं। जहां भू माफिया सरकारी सुरक्षित जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर राजस्व अधिकारियों को लगातार खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं, वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं भू माफिया। मामला यूपी के बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम खोखरपुर मजरे महमूदाबाद का है, जहां के भू माफिया अवधराम पुत्र रामफल द्वारा सरकारी सुरक्षित भूमि खादगड्ढा पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि ग्रामवासियों द्वारा तहसील के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर सूचित कर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई, जिस पर हल्का लेखपाल द्वारा मौके पर पहुंचकर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया भी गया, पर हल्का लेखपाल के वापस लौटते ही दबंग अवधराम आदि द्वारा अवैध निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया। जहां एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेशों में स्पष्ट सभी राज्यों के प्रमुख सचिव व उच्च अधिकारियों व जिलाधिकारी को माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कराने को सूचित किया और सरकारी सुरक्षित भूमि, तालाब, खलिहान, चक मार्ग, खादगड्ढा आदि जैसे सुरक्षित भूमि पर अवैध रूप से जमे हुए भूमाफियाओं पर सरकारी देखभाल की कार्रवाई करते हुए उनका अवैध कब्जा तत्काल हटवाए जाने की कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया आए दिन सरकारी सुरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, और इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। रामराज का यह भी कहना है कि मेरे पट्टे की भूमि पर लगे गुलर पेड़, जिस पर जबरन दबंगई के बिना पर रामशंकर खाद डालकर सुखाना चाह रहे हैं। ये ले न्यूज के लिए बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? रामराज। क्या प्रकरण है, पूरा मामला क्या है? साहब हमारे पेड़ पे घूर लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? रामशंकर। ये जमीन कैसी है जिस पे घूर लगा रहे हैं? ये जमीन जो है उधर उनके खेत की जमीन है, इधर हमारे पट्टा के मुकदमा की जमीन है, मुकदमा लड़ रहे हैं। तो घूर किसकी जमीन में लगा रहे हैं? घूर हमारे पेड़ पे लगाए हैं। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत किया? हाँ साहब, अप्लीकेशन हमने दिया 2 बार। कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, काल लेखपाल आए थे, आज कहे गए थे आने के लिए, वही इंतजार में बैठे हैं। अपने खेत में लगाते कहाँ से, जब लगाने पूछे तो कहाँ गई हैं, खेत में लगी हैं कहाँ गई हैं, कोई गड्ढा के लिए रास्ता भी नहीं कहीं इतनी। इस पर सड़क पर लगा रहे हैं, अगर सड़क पर बाबा शेर आ गए हैं तो आप अपने में क्या तनखा मने ले जाते, कहाँ करे थे? आपका क्या नाम? प्रहलाद। क्या ये खाद गड्ढा है? हाँ। तो आप लोग खाद कहाँ ढेर लगाते हैं खाद? अरे अब हमारे साहब हर हाँ नहीं, हम कहाँ बता दें, बाकी जहाँ है जहाँ हम निकल, जहाँ घोर गड्ढा है वहाँ पर ना नपाई ना जोखाई ना कोई के कोई वहाँ हिसाब किताब। आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ। गांव क्या नाम है? प्रहलाद, खोखर से।